नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलते हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर है आयकर दाताओं के लिए। आयकर विभाग ने छोटी कर मांगों को वापस लेने को लेकर बजट में की गई घोषणा के तहत प्रति करदाता 1 लाख रुपए तक की सीमा निर्धारित की है। सीबीडीटी ने 2024-25 के अंतरिम बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए ये आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 31 जनवरी 2024 तक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और गिफ्ट टैक्स से संबंधित बकाया टैक्स नोटिस को माफ करने के लिए प्रति करदाता 1 लाख रुपए की मैक्सिमम सीमा तय की है। 1 लाख रुपए की सीमा में टैक्स डिमांड की मूल राशि, ब्याज, जुर्माना, उपकर, अधिभार शामिल है। भारत को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसे लगातार 30 सालों तक 9-10% वार्षिक दर से आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा इनोवेशन को बढ़ावा देने की भी जरूरत होगी। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि ऐसा कर भारत 2047 तक 35,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक जापान, जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानों के लोड को कम करने के लिए एविएशन मंत्रालय ने एयरपोर्ट को उड़ान सेवाओं को कम करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने इस निर्देश की वजह से एयरपोर्ट को मार्च तक सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ सकती हैं। इसकी वजह से यात्रियों के लिए किराए बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। मंत्रालय ने मुंबई एयरपोर्ट पर जाम और उड़ानों में देरी को देखते हुए करीब 40 उड़ानें रद्द करने का निर्देश दिया है। मुंबई के लिए देश के अन्य हिस्से से उड़ानों की संख्या घटने से कुछ रूट पर किराया बढ़ने की आशंका है। अगली खबर हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी है। हवाई अड्डे पर यात्रियों को अब अपने सामान के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने एयरलाइंस कंपनियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यात्रियों का सारा सामान हवाई अड्डे पर उड़ान के उतरने के 30 मिनट के अंदर पहुँच जाए। यात्रियों को उड़ान पहुंचने के बाद उनका सामान देने में देरी की शिकायतों के बीच नियामक BCAS ने 7 एयरलाइंस को ये निर्देश दिया है। BCAS जनवरी में 6 प्रमुख हवाई अड्डों के बेल्ट पर सामान के आगमन की निगरानी कर रहा है। शेयर बाजार में सोमवार को लगातार 5वें दिन तेजी रही। फाइनेंशियल और FMCG कंपनियों के शेयरों में तेजी से बाजार लाभ में रहा। सेंसेक्स 281 अंक की बढ़त के साथ 72,708 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में 17 लाभ में रहे जबकि 13 नुकसान में रहे। NSE निफ्टी 81 अंक की बढ़त के साथ अब तक के उच्चतम स्तर 22,122 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी के 27 शेयर लाभ में रहे जबकि 23 गिरावट में रहे। लगातार 5 दिन की तेजी से BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 391 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। छोटे निवेशकों ने एक बार फिर क्रिप्टो में निवेश करना शुरू कर दिया है। दिसंबर में क्रिप्टो लेनदेन का वॉल्यूम सालाना आधार पर 242% बढ़ गया। अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज काइनबेस ग्लोबल इंक पर चौथी तिमाही में उपभोक्ता लेनदेन राजस्व में सालाना आधार पर 60% की वृद्धि दर्ज की गई। इस साल जनवरी में सीधे बिटकॉइन में निवेश के लिए शुरू हुए US एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की वजह से क्रिप्टो के प्रति निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। बीमा नियामक इरडा ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस बीमा सुगम को लॉन्च करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस मंच पर लाइफ, हेल्थ और ऑटो इंश्योरेंस से जुड़ी सभी तरह की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। अब इरडा ने ऐलान किया है कि बीमा सुगम प्लेटफॉर्म पर सभी तरह की सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त रहेंगी। ग्राहकों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बीमा सुगम की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। एक ही जगह पर सभी हितधारकों के मौजूद होने से बीमा कंपनियों की लागत घटेगी जिससे इंश्योरेंस प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे। बीमा सुगम के लॉन्च होने से देश के इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का पता लगाने के लिए सरकार को नए समाधान मिले हैं। ये समाधान ऑनलाइन भ्रामक प्रथाओं को विनियमित करने से महत्वपूर्ण साबित होंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 13 डार्क पैटर्न के लिए ये समाधान तैयार किए हैं। कंपनियां या कारोबारी डार्क पैटर्न के जरिए ग्राहकों को धोखा देने या उनके व्यवहार अथवा पसंद को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। नए समाधान उपभोक्ताओं को कुछ विशिष्ट डार्क पैटर्न के बारे में सचेत करेंगे, उन्हें रियल टाइम डेटा देंगे और अन्य उभरते डार्क पैटर्न को पहचानने में मदद करेंगे।
डीप फेक और एआई जनित भ्रामक सामग्रियों से निपटने के लिए एमसीए और मेटा ने व्हाट्सएप पर फैक्ट चेक हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की है। ये सर्विस मार्च 2024 से जनता के लिए उपलब्ध होगी। डीप फेक पर नकेल कसना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं। एआई से बनी सामग्री सार्वजनिक हित के मामले में लोगों को धोखा दे सकती है। ऐसी सामग्री को आमतौर पर डीप फेक कहा जाता है। इस सेवा का मकसद लोगों को सत्यापित और विश्वसनीय जानकारी से जुड़ने में सहायता करना है। आईटी इंडस्ट्री में छाई मंदी के कारण छटनी के साथ वेतन और भत्तों में भारी कटौती हो रही है। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स को मिलने वाली सैलरी ऑफर पिछले साल की तुलना में 30-40% कम हो गए हैं। पिछले साल जो कंपनियां 1 करोड़ रुपए का सैलरी ऑफर कर रही थी उनको अब उन्होंने घटाकर 60-70 लाख रुपए कर दिया है। ये ट्रेंड कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। आईएलएस हॉस्पिटल्स ब्रांड से अस्पताल चलाने वाले जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 177 से 186 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी का आईपीओ 22 से 26 फरवरी तक खुलेगा। एंकर निवेशक एक दिन पहले यानी 21 फरवरी को शेयर खरीद के लिए बोली लगा सकेंगे। आईपीओ में 40 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 2.6 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश भी लाई जाएगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने सुनने उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।